अब जितने तमाम हिंदू लोग हैं ना, अब सब सेकुलर बन जाएंगे, सब सेकुलर बन जाएंगे। बात आती है नूपुर शर्मा की, बात आती है किसी भगवान ना करे खालसा पंथ की, तो भाई साहब सारे जने कह देंगे जी ए नहीं चलेगा। उधर से ममता बनर्जी कहेगी ये कोना चोल वो, क्या ये कोना चोल वो, राहुल गांधी कहेगा देश का संविधान खतरे में है, हाँ अरविंद केजरीवाल कहेगा मोदी जी ने देश को बेकार कर दिया। मैं नहीं कह रहा अरविंद केजरीवाल कहेगा, मगर जब धर्म को हमारे की कुंडली गिना रहा भाई साहब, हमारे धर्म के लिए जब बोला जाएगा तो अरविंद केजरीवाल बन जाएगा अरविंद खान। सम्मानजनक भाषा से वो सारी चीजें, परेशानी होती है मैं किसी नेता का नाम गलत लेता हूँ तो राहुल गलती करेगा तो तमाम लोग गलती करेंगे। राहुल आपका नाम क्या है ऐसे? अरे ना पूछो साधु का। अरे मेरा मनोज है, मनोज है, मनोज मनोज शर्मा जी, मनोज शर्मा गांधी करो। इतनी आग क्यों लगी है तुम्हारा अंदर? अरे कोई बेवफा निकल जाता है। अरे अगर कोई एक बेवफा निकल जाए तो क्या इसका मतलब हम प्यार करना छोड़ दें? ओ, ओ इसमें प्यार की और तकरार की कहां से बात आ गई? भाई साहब दुनिया रहे या ना रहे, मेरा राम था, मेरा राम है और मेरा राम रहेगा। और जिसने राम के नाम पे, जिसने राम के नाम पे राजनीति करी है वो पाकिस्तान आटे को तरस रहा है और राहुल गांधी वोट को तरस रहा है। तो राहुल गांधी ने कौन सा कहा? तुम राहुल गांधी पे आ रहे हो यार, वो उदयनिधि ने बोला, उन्हें उदय समझो, उदयनिधि क्या नाम बताया? उदयनिधि, उदय का मतलब ही संस्कृत है, उसको बोलो अपना नाम रखता इन चांग चीन चांग चूंग, क्या क्या नाम है? अरे तो चाइनीज तो वही लोग हैं सेकुलर वामपंथी, जिसका नाम ही उदय है उसका कभी सूर्य उदय नहीं होगा। ऐसे लोगों का वंश का पतन कभी नहीं होगा, ऐसे लोगों का विनाश काल विपरीत बुद्धि। और जिस दिन महाकाल का तीसरा नेत्र खुलेगा उस उदय का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमर सिंह ने एक बात बोली थी, मरने से पहले दुनिया जानती है अमर सिंह को, अमिताभ बच्चन का लंगोटिया यार है, आप स्वर्गों में है अमर सिंह थे स्वर्गों में, बता तो रहा हूँ। आप लोग बोलने का मौका नहीं देते ना, ये माइक आपके हाथ में आ गया तो कुछ भी समझते हो अपने आप को आप लोग। अमर सिंह ने एक बात बोली थी बेड में पड़े हुए आखिरी सांसें गिन रहा था, क्या कि कुछ भी हो जाए बिना राजनीति के बात करके मर रहा हूं, बच्चा और मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। एक उसने ये बोला अमिताभ तेरी आंखों को मेरा दीदार तरस गया, कहां है मेरा अमिताभ? अमिताभ बच्चन के बुरे वक्त में अमर सिंह खड़ा था ये दुनिया जानती है, मगर अमिताभ भी अपना आई 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 करने में लगे थे। नमस्कार देवी और सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति में आपका हार्दिक स्वागत है। और दूसरा अमर सिंह ने कहा था कि नरेंद्र मोदी और योगी जैसे लोग सदियों सदियों में पैदा होते हैं, क्या वो तो उनकी पार्टी का भी नहीं है, मगर मरता हुआ आदमी कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इस देश में कोई बंदा अपने काम पे जा रहा है, हमारी माताएं बहनें शिवलिंग में दूध चढ़ा रही है, आपका नाम तो खुद अशोक शर्मा है। अरे मनोज शर्मा यार, नाम ठीक से बोला करो। क्या बोला? मनोज शर्मा। जब आपका नाम गलत ले रहा हूँ आपको इतनी दिक्कत हो रही है, वो तो सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं, मुझे कितनी पीड़ा हो रही होगी। चार बार इनका नाम गलत लिया तो इनको दिक्कत हो रही है, एक बार अगर वो क्या कौन सा कौन है वो लौंडा, मैं तो लौंडा ही कहूंगा उसको, उदयनिधि की बात कर रहे हैं, मंत्री है वो लौंडा 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 सीएम का लौंडा है। मैं लौंडे के अलावा कुछ और भी बोल दूंगा, एक नहीं, नहीं, के अलावा एक शब्द और होता है फिर मेरे उसमें ठंड हो जाएगी। सम्मानजनक संसदीय भाषा के लिए सम्मान होगा, उसके लिए ऐसे 36 बंदे हुए नीचे जो मेरे धर्म का नहीं है और जो मेरे राम का नहीं है वो मेरे काम का नहीं है। हिंदुस्तान में रहना है तो कायदे में रहना पड़ेगा, वो बयान नहीं बदल रहा, आप कह रहे कायदे में रहना पड़ेगा। भारत 2014 के बाद हम हिंदू नहीं बने, हिंदू हम पहले भी थे मगर हम दबाए गए थे। साला हम बोलते थे राम की जय हो, कहते थे चलो इसे साइड में ले आओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। भैया भैया हम कह रहे हैं योगी और मोदी हमारा बंदा है, और जब तक जिंदा हूँ अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों को कह के मरूंगा, क्या टमाटर महंगा खा लेना, राम को मत बेचना। ये लोग राजनीति करते हैं धर्म की, जब बात आती है मोहम्मद पैगंबर अल्लाह पे तब तो कहते हैं कि भैया कट्टरवाद है, मत बोलना मार जाएंगे रात को ही, सुबह सुबह पील देंगे। और हमारे को बोला हेलो, हाँ चुन्नू पापा, आज तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि सनातन धर्म खत्म होने वाला है। अरे छोड़, मुझे सोने दे, सुबह ड्यूटी पे जाना है। ये है हिंदू, हिंदू सोया हुआ नहीं है। कौन कह रहा है हिंदू सोया हुआ है? हिंदू सोने होने का ड्रामा कर रहा है।
जो सोया हुआ होता है जगाया उसको जाता है, और जो ड्रामा करता है ना भाई साहब, सोने का नाटक करता है, उसको कभी नहीं जगाया जाता। कहां गई वो भीड़ जो नुपुर शर्मा के टाइम पे सड़कों पे निकल रही थी, जो कह रहे थे गुस्ताख है नबी की एक ही सजा, सब कह रहे भगवान देख रहा है, राम खुद नहीं आएगा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है कि राम के साथ साथ परशुराम को फॉलो कर लो का। और भगत सिंह मेरा आइडल है, जब लोग बहरे हो जाते हैं तो भगत सिंह की किताब में लिखा, या तो आप बोलो या मुझे बोलने दो, तो अपने घर ले जाओ इसको ताम तोबड़े को। अरे ये देश संविधान से चलता है दीपा, काम मानते नहीं हो चीजें। जिस टाइम पे गौस मोहम्मद ने इसको मारा था ना आपका साहू को, कन्हैया कुमार साहू को, डेढ़ साल से खाना खा रहे हैं वो, आप गए उसके घर में पता करने के बहन जी आपको इंसाफ मिला के नहीं, जिसने प्रधानमंत्री को चिन्हित कर दिया। ए मोदी, मैं नहीं बोल रहा, अगला नंबर तेरा है, उन्होंने बोला। किसने? वो गौस मोहम्मद ने। राजस्थान सरकार उसको रोटी खिला रही है अभी भी, मुद्दा दब गया। सजा मिलेगी है? कब मिलेगी? वो कानून, जब योगी प्रधानमंत्री बनेगा देश का तब मिलेगी। लग तो मुझे भी यही रहा है, हकीकत बात है, लग तो मुझे भी यही रहा है, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ मोदी जी आदमी बढ़िया है, मगर स्लो चल रहे हैं भाई थोड़ा सा। भैया वो देश को देख रहे हैं आप, एक चीज को देख रहे हैं, वो सबका साथ सबका विकास है यार, उसको भी सजा मिलेगी, आप समझो बात। जिस दिन आपकी गर्दन में किसी में सामान रख दिया ना, और लाइव कह दिया पत्रकार तू तो सुबह गया, तो यही थाने में एसएचओ साहब के पैरों में पड़े रहोगे, मुझे बचा लो, मेरे को तो घर से नहीं निकलने दे रहे गौस मोहम्मद। पत्रकारिता धरी रह जाएगी तुम्हारी, उसकी तो वीडियो बनाकर वायरल करी थी, क्यों पता है? खौफ पैदा करने के लिए, और करा लोगों ने खौफ पैदा, डर गए लोग। तो भैया सबको थोड़ी है भाई, कोई गलत कर रहा तो सब थोड़ी उसको फॉलो करोगे, समझो ना दीपक, समझो बात को। पुरानी लग रहा ना कि आपके वंश को भी खत्म करने की बातें कर रहे हैं। किसी का वंश खत्म नहीं होगा यार, कैसी बात करें, देश सदियों से सनातन है, सनातन रहेगा। आपने बोला कि उसको गाली मत बको, उसने तो आपके भगवान को भी गाली बक दी है कि मैं तो सनातन को खत्म कर दूंगा। कीड़े में पड़ेगी तो क्या बोल रहा, कोरोना तो उसके कैसे थोड़े ही खत्म हो गए। एक बार मुसलमानों के खिलाफ बोल के दिखाया ना कोई, बोलो ना, किसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हाँ। किसी में सनातन धर्म भी आता है। हाँ। ये 70% की आबादी कर क्या रही है, 80% की आबादी पता क्या कर रही है, जितना गाड़ियों में घूम रहे हैं, जितना बंगलों में घूम रहे हैं, जितना LIC की पॉलिसी करा रहे हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर रहे हैं, सब अफगानिस्तान की तरह छीनेगा एक दिन। लिख के ले लो, मैं रहूं या ना रहूं मेरे शब्द जिंदा रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को फॉलो करता हूं मैं, आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक शब्द निकल जाता इस्लाम के खिलाफ, एक शब्द करतन अलग हो जाते हैं। ये हमारे देश के बुजुर्ग हैं, मगर कोई भी 2% का बंदा आता है 2 करोड़ का, राम को गाली बक के चला जाता है। वो स्वाहा प्रसाद मौर्या, उसने क्या करा, स्वामी कह रहे कि स्वामी, उसका स्वाहा प्रसाद मौर्या है, मैं नाम भूल जाता हूँ, गजनी बन जाता थोड़ी थोड़ी देर में, स्वाहा बता रहे ना, उसका नाम है स्वाहा प्रसाद मौर्या। उस बंदे ने हमारे रामचरितमानस के पन्नों को खंडित करके, मेरे तो बस की नहीं, तो तुम्हारा कैमरा भी फोड़ के उसके वहीं कोई बात गलत 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 उसने गलत बोला है हमारे धर्म के लिए बोला है। मैं अब भी कह रहा हूँ, सिर्फ संविधान के चक्कर में बंधे पड़े हमें, हमारे माँ बाप दादाओं ने बिल्ली और चूहों में फंसा रखा है। नो बेटा, बिल्ली नहीं मारनी, लक्ष्मी होती है, चूहा नहीं मारना, गणेश जी की सवारी होती है। और वहां कहते हैं, बोले क्या हुआ, बोले 72 हूर, और हम क्या कहते हैं, पाप लगेगा, कोई फायदा नहीं है तिलक लगा के घूमने का और गमछा लेके चलने का जब तक हिंदू नहीं जागेगा। जागने का मतलब क्या है, अपने हक की लड़ाई लड़ो संवैधानिक तौर पर, जंतर मंतर पे धरना दो, नरेंद्र मोदी जी को बोलो 2024 में आपको जब जिताएंगे कि इसके ऊपर कार्रवाई करो। क्या सारा ठेका हम लोगों ने लिया है क्या, राष्ट्रवादियों ने? सारे डंडे भी हम खाएं, मेहनत भी हम करें, आवाज भी हम उठाएं, तो फिर हम वोट क्यों दे भाई? तो खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। अच्छा, शिकायत दर्ज हो गई है, तो ये कन्हैया साहू को कब इंसाफ मिलेगा, उदयपुर वाले को मिलेगा, वो जेल पकड़े हुए हैं, जेल में अब मुकदमा, उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को मिलेगा क्या, उसके बच्चे को दोगे क्या इंसाफ? भाई साहब, जिसके घर का मरता है ना उसको पता होता है कुछ भी नहीं चल रहा देश में, सब खा पी के सो रहे हैं, अभी ये भाषण सुनेंगे सब अपने घर जाके लौट जाएंगे। और मुंह से राम राम बोलना छोड़ दो, दिखावा मत करो हिंदुओं, हमसे लाख दर्जे अच्छे मुस्लिम हैं जो अपने धर्म की बुराई सुनते वही ना तारीख ना सुनवाई वही फैसला कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ बढ़िया है वो, जब उनके धर्म में बात आती है ना, मुझे नहीं पता वो सही करते हैं गलत करते हैं, वो कोर्ट बताएगा क्या, जब उनके धर्म पे बात आती है ना, बहन बेटी पे बात आती है, किताब पे, तो वो ना छोड़ते किसी को भाई।
और हम अपना पिज्जा बर्गर चौमीन चिली पोटैटो कोल्ड ड्रिंक पीने में पिक्चर देखने में लग रहे हैं, मुन्नी की जवानी शीला के बदनाम इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब कच्चा बादाम पक्का बादाम और क्या चल रहा है। हिंदू कौन कह रहा है हिंदू सोया हुआ है, हिंदू सोया हुआ नहीं है भाई साहब, हिंदू सोने का ड्रामा कर रहा है। 80% की आबादी सिर्फ नाम की है और 27% की आबादी जोर लगा रही है। वो ये कह रहे हैं उदय निधि, ये कह रहे हैं कि ऊंच नीच बहुत ज्यादा है सनातन में। क्या है ज्यादा ऊंच नीच जाति प्रधान? उनसे पूछने गए हम, तुम कौन सी कास्ट के हो, तुम कौन गोला के हो? हमने पूछा उनसे, हमारे धर्म के ठेकेदार लग रहे हैं वो, आप बताओ ना वो कौन होता है? चौधरी लग रहा है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, भगवान से डरे, 2 साल कोरोना में ऊपर वाले ने औकात दिखा दी अमीरों को, क्या बॉडी तक नहीं पहचान रहे थे लोग, लोगों ने लाशें भी नहीं उठाई अपने रिश्तेदारों की, जो कहते थे ना मेरे पास बहुत पैसा है मैं जान खरीद लूंगा, वो अपनी जान भी नहीं बचा पाया। और वो जो घूमते थे ना लैला मजनू वाले, उनने तो फोन भी नहीं करा जिसने बोला हेलो बाबू मुझे कोरोना हो गया है, कह रहे मुझे तो खुद हुआ पड़ा मैं कैसे तेरी हेल्प करूं। अगर इतना पैसा था तो इलाज करा के दिखाते। वो कह रहे हैं कि कोरोना जैसी हालत है सनातन की, इनकी औकात समय आने पे पता लगेगी। हिमाचल में देखा क्या हुआ है, गलत हुआ है हिमाचल में, देखा क्या हुआ है, त्रासदी हुई कहीं ना होनी चाहिए। आपने कभी सुना है कि एक गाड़ी जा रही होती है सड़क पे, योगी बाबा की सरकार होती है, अचानक से गाड़ी पलट जाती है, सुना है कभी गाड़ी पलटती है? यार विकास दुबे की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किसकी गाड़ी पलटी थी। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है भाई साहब, वो नीचे से ऊपर तक भगवा है, वो खून के आंसू रो रहा होगा, मगर वो मजबूर है, वो उत्तर प्रदेश संभाल रहा है। अगर गलती से उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक ने ये बात बोली होती, चाहे वो बीजेपी का होता, तो अब तक उसका अफसोस तो मैं भी कर रहा होता, उसकी फोटो पे प्लास्टिक के फूलों की माला होती। क्या भैया वो नागरिक नहीं है, वो सीएम का बेटा, समझिए अंतर, समझिए आप। अच्छा सीएम का बेटा वो मंत्री है, मंत्री है वो। अच्छा मंत्री धर्म के लिए बोल सकता है, यार कैसी बातें कर रहे हो, आपका नाम तो जो है वो श्याम सुंदर दुबे लग रहा है। अरे भैया मनोज शर्मा कितनी बार बताया आपको, नाम गलत ले रहा हो तो बुरा लग रहा है, वो तो हमारे धर्म को खत्म करने की बात कर रहा है, तो अब आपको बुरा नहीं लग रहा, पत्रकारिता धरी रह जाएगी। कैसी बात कर रहे हो यार तुम, ऐसी बात यार गुस्सा दिला रहे हो, ऐसी बात मत करो यार, थोड़ा भड़क जाती है मुझे। आप एक बार बोल के तो देखो, आप एक काम करो, ये रस तुर्कमान गेट का, तुर्कमान गेट एक बार जाकर वहां बोल के दिखाओ, मुझे फोन मत करना, मैं फोन स्विच ऑफ कर लूंगा अपना। देखो भाई हम ना किसी को गलत कहते हैं ना गलत सुनते हैं, है? हाँ बाद वाला क्या बोला ना, गलत कहते हैं ना गलत सुनते हैं। आपने कितनी आवाज उठाई उसके लिए जंतर मंतर में, जिसने हमारे धर्म के लिए गलत बोला है, पहले आप सनातनी हो पत्रकार बाद में हो भाई साहब, लोकतांत्रिक तरीके से ना, ये देश लोकतंत्र से चलता है, कानून से चलता है, संविधान से चलता है। नुपुर शर्मा पर्दे में क्यों है बिचारी, वो क्यों नहीं बाहर आती है? उसने भी तो यही कहा है कि जो कोर्ट फैसला करेगा वो मैं मान लूंगी। नुपुर शर्मा ने क्या कहा है, जो कोर्ट फैसला करेगा वो मैं मान लूंगी, मगर वो कह रहे हैं तुम घर से बाहर आके दिखाओ, घर से बाहर आके दिखाओ, इसके मन में भी वो खौफ होना चाहिए ना। नहीं वो तो बयान नहीं बदल रहा, अपना कह रहा है कि वहीं हूँ। क्या कह रहा है? बयान नहीं बदल रहा, जो कहा ठीक कह दिया। एक बार योगी बाबा को आंदे तू वहीं है, एक बार आंदे तुझे केकड़ा समेत ही ले जाएगा वो अपने बुलडोजर पे, केकड़ा समेत ही, एक बार आंदे महाकसम भूलना पड़ा हूं मैं, मेरे हाथ बंधे पड़े हैं, नहीं तो 108 किलो का हूं।